दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। आने वाली पीढ़ी को शायद ही याद रहेगी पुराने 500 और 1000 के नोट कैसे हुआ करते थे। नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हुए इन नोटों को एक साल से अधिक हो गए हैं। कुछ सालों बाद शायद ये नोट हमारे जेहन से उतर जाए। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा हो चुका है। ऐसे तमाम नोट चलन में हुआ करते थे लेकिन आज वो तस्वीरें दुर्लभ हो गई है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी ही दुर्लभ नोट की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 2.5 रुपए का नोट भी कभी चला करता था और यह कैसा दिखता था। इस नोट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी 1918 में जारी किया था। उस समय इसको 2 रुपए आधा अन्ना का नोट कहा जाता था। ब्रिटिश राज में 1 रुपए में 16 अन्ना होते थे, इसलिए इसमें 2 रुपए के साथ आधा अन्ना जोड़ा गया था। आज ये नोट पूरे 100 साल का हो गया है। हैंडमेड पेपर पर इंग्लैंड में छपा था। 2.5 रुपए के नोट को उस जमाने में 2.5 रुपये और आधा आना कहा जाता था। इस नोट पर 5वें किंग जॉर्ज की तस्वीर छपी थी और ब्रिटिश वित्त सचिव MMS गबी ने साइन किया था। 2.5 रुपये के नोट को इंग्लैंड में हैंडमेड पेपर पर प्रिंट किया गया था। 2.5 रुपये के नोट की तब वैल्यू $1 के बराबर हुआ करती थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार विश्व युद्ध के वर्षों 1914-1918 के दौरान धातु की मांग के रूप में चांदी की कीमतें काफ़ी बढ़ गईं। इसलिए अपने लाभों के लिए लोगों ने सिक्कों की जमाखोरी शुरू कर दी थी। इससे सार्वजनिक मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सिक्के बनाने के लिए चांदी की कमी हो गई। फिर इसकी छपाई शुरू हुई। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।